प्रणव मुखर्जी, जिनको प्यार से बहुत पॉलिटिशियंस भी प्रणव दा करके बुलाते हैं। प्रणव मुखर्जी ने 2012 से लेकर 2017 तक इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया। वो काफी टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे। प्रणव मुखर्जी ने पहली बार 1969 में राज्यसभा की सीट को सिक्योर किया। जब वो राज्यसभा मेंबर बने तो वो बंगला कांग्रेस के मेंबर थे और फिर कुछ टाइम बाद ही बंगला कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। प्रणव मुखर्जी एक बंगाली मंथली पीरियोडिकल के एडिटर भी थे। उनके पास गवर्नमेंट फंक्शनिंग का भी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज थे, जैसे 1993 से 1995 तक कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके पास थी, 1995 से 1996 तक एक्सटर्नल अफेयर्स भी उन्होंने हैंडल किया, और यही नहीं तो डिफेंस और फाइनेंस जैसे भी इम्पोर्टेंट प्रोफाइल्स उन्होंने हैंडल किए। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पोस्ट पर भी वर्क किया, जैसे कि वो राज्यसभा के लीडर भी थे इन द ईयर 1980 to 1984, और लोकसभा के लीडर भी बने रहे फ्रॉम 2004 to 2012। मिस्टर मुखर्जी काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इन्वॉल्व थे, लाइक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक, और फाइनली 2012 में वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने।